कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा आज पटवारी परीक्षा में घोटाले और किसानों की मांगों को लेकर राम मंदिर चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर काला पीपल तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें काला पीपल क्षेत्र के किसान धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। विधायक चौधरी ने बताया, सरकार बीमा कंपनी के साथ मिलकर जनता को गुमराह कर रही है। बीमा राशि नहीं मिलने तथा किसान और जनता की विभिन्न समस्याओं को लेकर मैदान में आए, साथ ही मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा में काला पीपल क्षेत्र के युवाओं के साथ हुए अन्याय के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। काला पीपल में ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर जो धांधली किसानों के साथ बीमे के अंदर हुई है, जो नौजवान पीढ़ी के साथ पटवारियों के साथ, जो पटवारी की परीक्षा देने वाले नौजवानों के रोजगार को बेचने का काम करा है, जो आम इंसान को परेशानियां है, उस परेशानियों को लेकर काला पीपल में धरना दिया गया। और जिस तरीके से अधिकारी आए, उनके पास कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं है कि बीमा क्यों नहीं आया, तो बोले हमें नहीं मालूम। बीमा एक पंचायत में 5% लोगों का आया, 95% का नहीं आया। मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि सिंगल क्लिक में मैंने हर किसान के खाते में पैसा डाला, पर उसके बाद किसान आता है वो कहता है मुझे पैसा नहीं आया। एक तरफ सरकार कहती है कि हमने पटवारियों के रोजगार देने का काम करा, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो भी कहते हैं कि 15 लाख में ऑफर मिलेगा तो कौन नहीं लेगा। प्रदेश के अंदर नौजवान पीढ़ी के रोजगार बेचने का काम कर रहे हैं, किसानों के नाम पे धोखा देने का काम कर रहे हैं। हमने पूरी चीज निकाली, ये 35,000 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों को 2017 से 16, 17 से 20, 21 तक 35,000 करोड़, ये 24,000 करोड़ रुपए तो प्राइवेट को और सरकारी को मिला के 11,000, लगभग 35,000 करोड़ रुपए का मुआवजा 5 साल के अंदर सरकार ने दिया है। चंद चुनिंदा उद्योगपतियों की सरकार चल रही है, किसान के नाम पे बड़ी लूट चल रही है और मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसके काला पीपल से दिलीप महेश्वरी की रिपोर्ट।